छोटे भैया, उसके साथ बैठा वो कौन है? ये मेरा फ्रेंड अजय है। और वो लड़की? उसकी होने वाली बीवी। क्या एक जादूगरनी के साथ शादी कर रहा है तेरा दोस्त? वो वैसा नहीं है भैया, ऐसा है। अच्छा हाँ? वो लड़की किसी और से भी प्यार करती है? नहीं। ये क्या, अब हम नहीं, अब हम कैसे बताएं? अरे रे रे, हम उसको डायरेक्ट बताएंगे तो नहीं मानेगा। एक मिनट, अभी आया। वो आ रहा है। वो आ गया। क्या अम्मी, क्या क्या कर रहा है वो? इनसे मिलो, ये मेरी नई दीदी है, नए जीजा। नमस्ते। गोद लिए है। नमस्ते, नमस्ते। वेरी ग्लैड टू मीट यू, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे नए साले को कोई अच्छी लड़की ढूंढकर शादी कराने के बारे में सोच रहे हैं। हम शादी कराना चाहते हैं तो ये मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है? वो कौन है पता नहीं, कैसी है, हाँ। उसका बैकग्राउंड क्या है मैं कुछ भी नहीं जानता। अगर मैं बात करना चाहूँ तो गूंगे की तरह चुपचाप बैठी रहेगी। चाहे कुछ भी हो, शादी से पहले लड़की के दिल में क्या है ये बात जान लेना बहुत जरूरी है ना? हाँ बेटा, ये जान लेना जरूरी है कि उसके दिल में क्या है, नहीं तो आगे चल के उसकी जिंदगी तबाह हो सकती है। मान लो शादी के बाद उसके दिल में क्या है तुम्हें पता चल गया, तो तुम्हें भी दुख होगा, लड़की को भी दुख होगा, सबको दुख होगा। ऐसा क्यों? इसीलिए शादी के पहले उसके दिल की बात जान लेना बहुत जरूरी है ना? क्यों जी? हाँ, ये करेक्ट है। काम हो गया। गायत्री, गायत्री, एक बात है। तुम्हारी कोई भी पर्सनल बात मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि आई एम अजय। यस। विकी, 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 हाय विकी। हाय। तुम कितने बदल गए हो, मुझे तुम्हें इस तरह देख के आश्चर्य हो रहा है। मैंने पुरानी आदतें सब छोड़ दी हैं, मुझे नौकरी मिल गई है। लार्सन एंड टर्बो कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी कर रहा हूँ। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, रियली आई एम वेरी वेरी हैप्पी। लेकिन विश्व और गायत्री का रिश्ता गम में डूबा हुआ है। उसका जिम्मेदार मैं हूँ, ये बात मैं जानता हूँ स्नेहा। विक्की, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। तुम अगर जरा सी भी कोशिश करो तो वो दोनों फिर से एक हो सकते हैं। ये उसका पता है और गायत्री का फोन नंबर भी है। मैं जरूर जाऊँगा, सारी गलत फहमी दूर करके उन दोनों को जरूर मिलाऊंगा। देखो विश्वा, तुम दोनों को मिलाने के लिए हम लोगों से जो हो सकता था वो हम कर चुके हैं। इसमें तुम्हारा बैड लक है या हमारा बैड लक, मुझे कुछ पता नहीं। देखो, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझता हूँ, अब तुम समझो। सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए कितने लोग परेशान हो रहे हैं देख रहे हो? ए, अपने दोस्तों का चेहरा तो देख, भले ही मेरा चेहरा मत देख। वो लड़की नहीं चाहिए ना? माँ से बढ़कर प्यार से पालने वाली ये तेरी बड़ी बहन, कम से कम उसका चेहरा तो देख। जी हाँ जीजू, मेरे नसीब में खोट है तो उसकी सजा आप लोग क्यों भुगते? दीदी, जीजू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गायत्री को बुलाने में ही मेरी भलाई है। ए, सब ठीक से बांध, चल काम ठीक से कर। ए, जल्दी बांध। स्नेहा, तू यहाँ क्यों आई है? वेल, अजय तुम्हारी शादी हो रही है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम विश्वा को भुला पाओगी? कौन है ये विश्वा? ऐसे कोई आदमी को मैं नहीं जानती। ओह, तो तुम विश्वा को नहीं जानती, तुम अपने होने वाले पति अजय से ही पूछ लेना। तू मुझे धमका रही है? किस मकसद से तू यहाँ पर आई है? तुम्हारी शादी रुकवाने के इरादे से आई हूँ, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। इतनी हिम्मत तुझ में नहीं है? तेरी बातों का यकीन करे इतना वो बेवकूफ नहीं। तुझे जो करना है वो करके दिखा, अजय का दिल तू नहीं बदल सकती। जानती हो क्यों?
क्योंकि he's a gentleman. वो तो मैं भी जानती हूँ, फिर भी मैं ये शादी रुकवा के रहूंगी. मेरे विश्वा की दोस्ती की खातिर मैं तुम्हारी ये शादी नहीं होने दूंगी. एक चल अभी, मैं कहती हूँ उसकी होने वाली पत्नी, तेरे में हिम्मत है तो जा, ये शादी रुकवा कर दिखा. अब तू यहाँ पर रुक के कुछ बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. देखते हैं, देखते हैं. मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तू उल्टा ही सवाल का जवाब दे रहा है. क्योंकि तू बकवास ना करे इसलिए. देख मेरे दोस्त, 5,000 लोग आने वाले हैं, उन लोगों के लिए गाड़ी का इंतजाम, जलपान और ठहरने के लिए सब जगह, ये सब जाकर तू मेरे बाप से कहना. शाम को नाश्ते में चाइनीज और पुलाव, ये सब के लिए मैं क्या. देख ये जाके तू बावर्ची से कहना. तो मैं तुझसे क्या बोलूं? मेरा सूट रेडी है, जाकर देख. वो कहाँ है? वो जहाँ होगा वही होगा. नहीं है वो. जाना यार. एक कैसा आदमी है. हेलो. हाय स्नेहा. What a pleasant surprise. आप यहाँ कैसे? Sorry. आपका एड्रेस नहीं मिला, इसलिए मैं वेडिंग कार्ड दे नहीं पाया. कोई बात नहीं, डॉक्टर ने कहा कि आपकी शादी हो रही है. आपका मुझ पर बहुत एहसान है, मैं आपको कैसे भुला सकती हूँ. ये लो. आप लीजिए. You are my guest. नहीं, एक और है, मैं ले लूंगी. Okay. ये तुम लो. सूट तैयार है, एक बार तू अगर उसे पहन कर देख ले तो. ये तो बहुत ही टेंशन में आ गया है. देख यार, सूट तैयार हो गया है, ले आऊं? करेक्ट है या नहीं तू एक बार देख कर बता दे. किसके लिए? तेरे लिए. तू ही डाल. क्या मैं पहनूंगा तो कोट के अंदर ही ढक जाऊंगा. देख तू इतना नर्वस मत हो. मुझे क्या हुआ है? तू कौन है? क्या मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? सुबह से लेके शाम तक तेरे आगे पीछे मैं घूमता रहता हूँ. कल तेरी शादी होने वाली है तो तू मुझे आज ही भूल गया. तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे. किसकी पत्नी, किसकी शादी, ये सब मुझे क्यों कह रहा है? इन सब बातों से तुम्हें क्या फायदा है? क्या कहा, फायदा? ये चप्पल ले और मेरे ऊपर पट्टा 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 करके धुलाई कर दे, नहीं तो मैं खुद को ही मारूंगा. तुझे जो अच्छा लगता है वैसा कर. ए, क्या हो गया तेरे को? देख, इंसान जिंदगी में बगैर टेंशन, बगैर सुकून, खुशी से जितने दिन जीता है उतने दिन जिंदगी होती है. मुझे भी सुकून से रहना है, बिंदास रहना है. आई शुड बी हैप्पी मैन. रहने दे, छोड़, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा. तू जाके आराम कर. Okay. जा जा संभाल के. मैं समझ गया, लड़का शायद शादी के टेंशन में बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है. कोई बात नहीं, शायद आग लगी होगी, लेकिन बदबू तो नहीं आ रही. पता नहीं कहाँ जा रहा है. उस तरफ नहीं, इस तरफ जाना है.
अनुराग संबंध होने दो, खुद को अब प्रेम में खोने दो, अतरंगे बंधन की रीत से हो ले दूर। ये प्रेम का हक बस उसका है, मेरा यार दिन का पक्का है, ये प्यार तो सबका तोड़े है गुरु। इश्क तो है अल्लाह, लैला मजनू अल्लाह, है संस्कृति अल्लाह, सभ्यता या अल्लाह, दीन दुखियों को देता तू हरिओम अल्लाह रे। तेरा तन जला मन कहता, बड़ा दिल लगा मन कहता, यार का दिल प्यार करे उसका प्यार यार करे। इश्क के रंग में रंग के हो जा तू भी खून, जीने की हसरत छोड़ दे, दुनिया से मुंह को मोड़ दे, इश्क पे अपने मर के जीते हैं महबूब। इश्क तो है अल्लाह, लैला मजनू अल्लाह, है संस्कृति अल्लाह, सभ्यता कहता, बड़ा दिल लगा मन कहता, यार का दिल प्यार करे उसका प्यार यार करे, तन में भर की आग बोले वो चल अब क्या, अब मान जा, चल अब क्या, अब मान जा, यार का दिल प्यार करे उसका प्यार यार करे। चाहिए था वो अनर्थ हो गया, सब लोग कहाँ हैं? तू ऐसा धोखा करे कि मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे और विश्वा के बीच हमेशा एक दोस्ती का रिश्ता ही रहा है, मुझे बस यही साबित करना था। मैंने अगर अपनी इज्जत गंवाई है तो सिर्फ तुम्हें और विश्वा को एक करने के लिए। मैं काम पर जा रही हूँ बोल बोल कर, आज तक तू हमें धोखा दे रही थी। तेरी अच्छे घर में शादी करा के समाज में इज्जत की जिंदगी जिएंगे ऐसे सपने देख रहा था मैं। मेरे इन सारे सपनों पर तूने पानी फेर दिया और इस तरह मेरे सामने खड़ी है। अब कौन तुझसे शादी करेगा, क्या होगा तेरी जिंदगी का? दोस्ती की खातिर जान देने वालों को मैंने देखा है, दोस्ती की खातिर अपना सब कुछ दांव पे लगाने वालों को देखा है, लेकिन अपनी इज्जत गवा के इस तरह खड़े रहने वालों को जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ। छी, अजय तुम मुझे गलत मत समझना प्लीज, मैंने अपने स्वार्थ की खातिर तुम्हारी जिंदगी में दाग लगा दिया, इसे बुरा सपना समझकर भूल जाना। गायत्री भगवान के लिए तू बुरा मत मान, शक और शैतान एक बार जिसके अंदर बस जाता है तो उसकी जिंदगी को वो अपने बस में करके किस तरह तबाह कर देता है, इस बात की मिसाल इससे अच्छी कोई दूसरी हो ही नहीं सकती है बेटा। तेरे बगैर इस दुनिया में एक पल भी जीने के लिए तैयार नहीं है हमारा विश्वा। तुम दोनों को मिलाने के लिए स्नेहा ने ऐसा किया। स्नेहा, मेरा भाई हमेशा खुश रहे यही मेरा सपना था, लेकिन तू अपनी जिंदगी तबाह करके तू उसे खुशियां देने चली थी, इससे अच्छा था कि
उसकी जिंदगी बर्बाद होती। देख लिया बेटा गायत्री, असली जिंदगी में प्यार और दोस्ती में क्या अंतर होता है। दोस्ती बहुत बड़ी चीज होती है। दोस्ती के खातिर कौन कौन क्या क्या त्याग कर चुके हैं ये तुम्हें सुना होगा, लेकिन स्नेहा ने आज अपनी इज्जत गंवाई है, वो सिर्फ तेरा प्यार लौटाने के लिए। किसी को अपने तहे दिल से प्यार करने के बाद उसकी छोटी सी बात पे शक करके उससे दूर जाना बिल्कुल सही नहीं। अब भी वक्त है बेटा, स्नेहा की दी हुई कुर्बानी का यही सिला होगा कि तू उस लड़के के साथ शादी करके अपना घर बसा के सुखी रहे बेटा, यही हमारी इच्छा है। जी हाँ बेटा, इस घर में आने वाली बहू इस घर की इज्जत को संभालने वाली होनी चाहिए। दिल में शक का बीज रखकर समझौता करने वाली बहू हमें नहीं चाहिए। तू अगर मेरे बेटे का हाथ थाम कर क्या उसे सारी खुशियाँ दे पाओगी? जिसके साथ तुम प्यार करती हो उसके साथ ही शादी करने में तेरी भलाई है। इन सब के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। गायत्री मुझे माफ कर दो। गायत्री, मैंने तुम्हें हमेशा अपना एक अच्छा दोस्त समझा है। तुमसे शादी करने का ख्याल मेरे दिमाग में कभी नहीं आया, लेकिन मजबूर हालातों ने हम दोनों को एक करना चाहा और मैं सबकी बात मानता गया। बस सच कह रहा हूँ गायत्री, जिससे प्यार किया उसी से शादी करना अच्छा होता है। दिल में दर्द लिए किसी और के साथ घर बसाना बहुत ही मुश्किल है। दोस्ती का मतलब क्या है ये स्नेहा जानती है, और प्यार का मतलब क्या है ये तुम्हें जानना है। मेरी ये विनती है कि तुम अपने प्यार के पास चली जाओ, प्लीज। छूटे रिश्ता दिल का रहे रिश्ता बाकी छूटे रिश्ता होता है ये प्यार जिसकी।